संजू बाबा की खुद की रेसिपी वाला मुंबई का है संजू बाबा चिकन। संजय दत्त की लेजेंडरी एक्टिंग की तरह ही कमाल है। मेरे लिए इसका इतना नहीं है। तो आज मैं आया हूँ मुंबई की भिंडी बाजार के नूर मोहम्मदी रेस्टोरेंट में, जिनके मेन्यू में एक ऐसी रेसिपी वाली डिश है जो उन्हें खुद बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त ने दी है, और इसी कारण उन्होंने इस डिश का नाम भी संजू बाबा चिकन रखा है। वहाँ पे लिखा हुआ देखो, संजू बाबा की स्पेशल रेसिपी जो कि अभी हम ट्राई करने आए हैं। चलिए चलते हैं। अब संजय दत्त नॉनवेज खाने के कितने बड़े फैन हैं, ये हम उनकी उस समय की फिटनेस को देखकर ही बोल सकते हैं। और यार, चाहे जमाना उनकी पर्सनल लाइफ पे कितना कीचड़ उछाल ले, उनकी एक्टिंग के टैलेंट के ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत तो भाई किसी की नहीं होगी। और संजू बाबा की एक्टिंग के लिए प्यार ही आज मुझे यहां उनकी फेवरेट डिश ट्राई करने के लिए खींच लाया। आपको पता है, स्टोरी बताता हूँ कि संजू बाबा चिकन का रहस्य क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे नूर मोहम्मदी जिनका रेस्टोरेंट है, उन्होंने आज से 20-30 साल पहले संजय दत्त को यहाँ पे बुलवाया था थ्रू अ फ्रेंड, एंड व्हेन ही केम उनको चिकन बहुत पसंद आया और उन्होंने अपनी तरफ से भी एक रेसिपी शेयर करी इनके शेफ के साथ। एक रेस्टोरेंट में चिकन संजू बाबा के नाम से एक रेसिपी है, वो आपकी बनाई हुई है। जी, ये डोंगरी में है, एक वो रेस्टोरेंट का नाम नूर मोहम्मदी होटल है। मेरे पास आए थे तो मैंने वो चिकन बना के दिया था, जिससे लेटर ऑन इन्होंने एक डिश बनाई संजू बाबा चिकन, एंड उन्हीं के नाम से ये डिश बनाकर आज ये सर्व होती है। और सब लोग ऑर्डर भी ऐसे करते हैं कि एक संजू बाबा चिकन लगा दो, जिसके अंदर खड़े मसालों की प्रिपरेशन से एक चिकन रेडी होकर आता है, जो कि विच आई एम वेरी एक्साइटेड टेस्ट। तो मेरी उम्मीद से बिल्कुल परे रेस्टोरेंट बेहद ही नॉर्मल सा था, कोई हाई फाई फाइव स्टार नहीं। मतलब यहाँ का सेटिंग, यहाँ की सेटिंग सब कुछ मीडियम रेंज वाले रेस्टोरेंट की तरह ही थी। पर ये बात जरूर थी कि ये एक और ऐसी जगह थी जिसकी खुद की भी एक स्टोरी थी, और यही बात इनके मेन्यू पर और इनकी दीवारों पर भी हर जगह लिखी थी। इतना ही नहीं, मैं तो हैरान था इनके इतने सारे जीते हुए अवार्ड्स को भी देखकर। पर जो भी बोले, इनके इस बेशुमार सक्सेस का क्रेडिट इनको संजू बाबा को तो देना पड़ेगा, क्योंकि उनका ये चिकन वाकई इतना फैन फेवरेट था। मतलब मेरे बैठे बैठे मैंने कितने सारे लोगों को यहाँ संजू बाबा चिकन ऑर्डर करते हुए ही देखा था, तो ऑब्वियसली हमने भी यहाँ वही ऑर्डर किया और फिर इंतजार किया उसका हमारे टेबल पर आने का। अब इस डिश का प्राइस भी काफी रीजनेबल था, मतलब 170 रुपए की हाफ थी। इतनी बड़ी हस्ती का नाम जुड़ने के बावजूद ये डिश मात्र 170 रुपए की मिल रही थी, बहुत ही बढ़िया। पर रुक जाओ यार, मेरी सारी बकती इस डिश की क्वांटिटी देखकर ही निकल गई। मतलब 170 रुपए में एक पीस था चिकन का इसके अंदर, और जिसको खाने वाले थे हम 3 लोग। पर चलो, क्या करें, रिव्यू के लिए तो इतना ही बहुत है। ये पता क्या रहस्य है, संजू बाबा अकेले आए थे खाने, तो इसलिए एक ही जने के हिसाब से एक खुशबू बड़ी बेहतरीन। अगर तुम लोग तक आ रही हो, खुशबू इज आउटस्टैंडिंग। वैसे जितने मैं ये डिश टेस्ट करता हूँ, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी संजू बाबा की फेवरेट मूवी आखिरकार कौन सी है। प्रोफेशनल लाइफ में उनकी मूवीज की चॉइसेस और मूवीज में उनकी एक्टिंग दोनों को बड़ी फैंटास्टिक लगती है। माय फेवरेट इज ऑलवेज मुन्ना भाई MBBS। चलिए, संजू बाबा चिकन का लुफ्त उठाया जाए। नहीं यार, चिकन संजू बाबा और पार बेटर, अब मुझे समझ में आ रहा है, आपस में कंपेयर हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है चिकन संजू बाबा इनकी फिर ज्यादा टेस्टियर रेसिपी है। अब चलो, संजू बाबा की रेसिपी वाली डिश मुझे चाहे कैसी लगी हो, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। और पता है, आज चाहे इस डिश की शिकायत मैं आपसे ना करूं, पर इनके स्टाफ की शिकायत मेरे को जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एक चम्मच के लिए मुझे 250 बार आवाज लगानी पड़ी थी। तो इस चीज पर डेफिनेटली नूर मोहम्मदी रेस्टोरेंट सुधार कर सकता है। बाकी चलिए, हम मिलेंगे आपसे अब कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, कल हो ना हो।